हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, एसबीआई ने एक दमदार वैकेंसी निकाल दिए, जो कि निकाली है 8,653 पदों पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और इसकी संपूर्ण डिटेल दी जाएगी आपको, और वह भी आपको आवेदन के साथ यानी आवेदन भर के भी दी जाएगी। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी प्राप्त कीजिएगा और इसमें आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, जैसे योग्यता, उम्र, वेतन, चयन प्रक्रिया, ये सभी टॉपिक इसमें क्लियर किए जाएंगे। तो एसबीआई की इस भर्ती में यदि आप लगना चाहते हैं, क्लर्क की भर्ती को पार करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको यहाँ पे एक एक बात समझ में आ सके। और दोस्तों, यदि आप इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए उत्सुक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, फिर दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए, ताकि दोस्तों आपको हर वैकेंसी की सबसे पहले जानकारी देखने को मिले। तो चलिए अब बता देते हैं आपको सीधे सीधे इस भर्ती की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको इसकी बेसिक जानकारी देते हैं कि यहाँ पर आपके लिए योग्यता क्या रखी गई है, उम्र क्या रखी है, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, बेसिक जानकारी में सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता क्या चाहिए आपको इस भर्ती में? अब दोस्तों, बात ही कर लेते हैं योग्यता ही की। तो दोस्तों, योग्यता आपको एसबीआई क्लर्क के लिए जो है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास आईडी की ड्यूअल डिग्री किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भी होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, आपको यहाँ पे दो डिग्रियाँ चाहिए और इसमें आप योग्यता क्लियर करेंगे। तो एसबीआई ने ग्रेजुएशन यहाँ पे किया, यानी कि जो आप ग्रेजुएशन करते हैं वही डिग्री आपको सबसे पहले योग्यता के रूप में देनी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आईडीडी की ड्यूअल डिग्री भी आपको यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की होनी अनिवार्य है। तो ये योग्यता इसकी रखी गई है। और दोस्तों, इसके अलावा योग्यता में उम्र भी आती है, तो उम्र आपको क्या चाहिए वह भी बता देते हैं। तो उम्र आपकी 20 वर्ष से 28 वर्ष होनी चाहिए। तो पूरी उम्र बता देते हैं आपको क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2019 को 20 वर्ष से ज़्यादा और 28 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। और इसका मतलब आवेदक का जन्म जो है 2 अप्रैल 1991 और 1 अप्रैल 1999 के बीच होना चाहिए। इसमें दोनों तारीखें शामिल है। दोस्तों, ये आयु सीमा है जो कि आपके लिए रखी गई है पूरी की पूरी। अब दोस्तों, अगली बड़ी बात आती है आपके लिए वेतन की। वेतन आपको इसमें कितना मिलेगा? तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़े से आपके लिए सैलरी की। तो सैलरी के लिए आपको यहाँ पे जो है अलग से दी जाएगी, यानी पदों के हिसाब से दी जाएगी। दोस्तों, 11,765 से ही आपका वेतन शुरू होगा और 31,450 पर ख़त्म होगा, यानी इतनी सैलरी आपको मिलेगी। और ये जो है कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो चयन प्रक्रिया उसी के माध्यम से दिया जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं अपनी चयन प्रक्रिया के बारे में कि चयन प्रक्रिया इसमें किस प्रकार से होगी वेतन मिलने के बाद में। दोस्तों, चयन प्रक्रिया आपकी यहाँ पे लिखित में होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और नौकरी का स्थान भारत ही होगा। भारत यानी कि ऑल इंडिया जॉब है, वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी, 8,653 पदों पर। अब दोस्तों, ये मैंने बात बता दी आपके लिए कुछ बेसिक। अब दोस्तों, आते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई की, यानी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, तभी आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा समझ में आएगा कैसे आवेदन करने की प्रक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दो वेबसाइट में बता देता हूँ, उस पर जाना है। दोस्तों, bank.sbi careers यहाँ पे जाइए, या तो या फिर www.sbi.com पर जाइए। ये दोनों वेबसाइट है एसबीआई के ऑफिशियल, यहाँ पर जाइए और आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद में आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे वह भी मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद में आपको एक फॉर्म का अलग से ही यहाँ पर आपको एसबीआई की ऑफिशियल साइट पर ऑप्शन नजर आएगा, यानी विकल्प होगा, उस विकल्प पर क्लिक करिएगा। दोस्तों, उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो आपको योग्यता देनी होगी अपनी। योग्यता देने के बाद में आपको कुछ चीज़ें से मैंने बेसिक जानकारी दी। और दोस्तों, इसके साथ मैं बता दूँ तो आवेदन 12 फरवरी यानी कि आज से शुरू हो चुका है, 3 मई तक चलेगा, ये ऑफिशियल डेट है और आ चुकी है। दोस्तों, एसबीआई ने ऑफिशियल जारी किया है जब नोटिफिकेशन, उसमें ये दी गई है कि 12 फरवरी से 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आवेदन इनके मध्य होगा डेट को, और आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन 20 अप्रैल यानी कि दोस्तों 20 अप्रैल से आप फीस पेमेंट करना शुरू करेंगे, यानी अभी आपसे फीस नहीं मांगी जाएगी, 20 अप्रैल से शुरू की जाएगी और उसके बाद में आप फीस देंगे। यानी दोस्तों, आज 12 अप्रैल को आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना जो है योग्यता वगैरह सब डाल के फॉर्म अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो भी फीस रखी गई है वह यहाँ पर आपके लिए 20 अप्रैल से बाद में ही मांगी जाएगी। और यहाँ पर आपको योग्यता, उम्र वगैरह सब भरनी है, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबमिट का ही नीचे बटन दिखा रहा होगा, वहाँ से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आवेदन की प्रक्रिया। अब दोस्तों, फीस की बात करते हैं थोड़ी सी, कि फीस आपको कितनी देनी होगी कैटेगरी वाइज।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप कि जनरल कैटेगरी यानी कि यहाँ पर जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी को यहाँ पे और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अभ्यर्थियों को जो है ₹750 देना होगा, जबकि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को अभ्यर्थियों को ₹125 सिर्फ देना होगा। यानी दोस्तों फीस इतनी देनी होगी दोनों ही कैटेगरी वाइज को, सभी कैटेगरी वाइज को इतनी इतनी फीस देकर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 20 अप्रैल के बाद में आप फीस देंगे, पहले दोस्तों यहाँ पे 20 अप्रैल से पहले आपकी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये तो ऑफिशियल डेट आई हुई है। अब दोस्तों ये थी मैंने कुछ अपडेट बताई है आपको बेसिक। अब दोस्तों बात करते हैं सीधी सीधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चल करके उनके यहाँ पर क्या क्या बात वहाँ पर लिखी हुई है। तो दोस्तों देख लिए पहले तो यहाँ पे कि रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट जिसका ये पद है और कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, दोस्तों इसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है कलेक्ट के पदों पर। जैसा कि आप देख लिया होगा जूनियर सहयोगी यहाँ पे लिखा हुआ भी है जूनियर एसोसिएट यानी जूनियर सहयोगी पर SBI क्लर्क इस पद पर यह भर्ती निकाली है। और दोस्तों ये देख लीजिए आप पूरा का पूरा यहाँ पे शेड्यूल है कौन सी कैटेगरी को कितने पद है यहाँ पे आप पूरा का पूरा देखिए, और यहाँ पे स्टेट कहाँ से कितना है कितना पद है वो भी देख लीजिए, कौन सा जोन कहाँ से कितना है वो भी देखिए। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको देखने को मिला है रेगुलर वैकेंसी कितनी है, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी कितनी है, यहाँ पे कितनों के कितनों मिल रही है ये भी देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए कुल वैकेंसी कौन सी कैटेगरी कितनी मिल रही वो भी देख लीजिए। कि यहाँ पे देख लीजिए जनरल को 3788, इसके साथ ओबीसी को 111, यानी कि दोस्तों इतनी वैकेंसी यहाँ पे इस वैकेंसी को मिल रही है। यानी पूरी बात यह है कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी बांटी गई है और 8653 पदों पर पूरी वैकेंसी है। तो ये तो बात चल रही है दोस्तों, आप देख लीजिएगा ऑफिशियल साइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सीधा सीधा, ये है यहाँ पर पूरा शेड्यूल। और दोस्तों इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज डिरेक्शन यानी कि जो उम्र है वह कितनी निर्धारित है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको पहले से ही, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उम्र निर्धारित की गई है एज डिरेक्शन कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे 3 ईयर सर्विस वगैरह ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो एज लिमिट कितने बताई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एज लिमिट है 18, 20 से 28 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पे पूरी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे 1 अप्रैल को यहाँ पे आपके देखिए 1 जनवरी को आपका जन्म देखिए, और यहाँ पे देख लीजिए आप पूरी की पूरी कि एक यहाँ पे, और दोस्तों देख सकते हो कि एज इलेक्शन किस प्रकार से है SC ST के लिए, PWD के यानी जनरल SC ST वगैरह, OBC और जम्मू कश्मीर वगैरह इनके लिए दिया गया है, ये एज लिमिट है आप देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया किस प्रकार से है वो देख लीजिए, 2 मार्क का एक पेपर आएगा जो कि ऑनलाइन होगा और इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, और देखिए न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ पे सभी सभी दिए गए, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल कितने आएंगे और कुल मिला के टोटल कितने हैं 100 है क्वेश्चन, 100 मार्क्स है, घंटा 1 मिलेगा आपको, ये देख लीजिए, ये भी यहाँ पे आपके लिए सिलेक्शन प्रोग्रेस है किस प्रकार से रहेगा आपके लिए। और दोस्तों ये फीस पेमेंट यानी कितना आपको रुपया डालना है आपके लिए फीस कितनी रहेगी वह देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि SC ST PWD XS के लिए ₹100, जनरल NOBC के लिए ₹700 दिए गया है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ चार्ज वगैरह लग के यहाँ पे पूरा ₹750 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है पूरे का पूरा हाल, दोस्तों ये है फीस का हाल। और दोस्तों प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी इसकी भी कुछ जानकारी दी गई है, और दोस्तों ये प्री एग्जामिनेशन की अभी डेट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि जून में इसका यहाँ पे एग्जाम होगा, और दोस्तों 10 अगस्त यहाँ पे आपके लिए डेट आई है, मेन एग्जाम जो होगा वह होगा 10 अगस्त को, ये पूरी डेट आ चुकी है, और प्री एग्जाम की बताया जा रहा है जून में होगा एग्जाम। और दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे आपको पूरे जोन वगैरह दिए गए हैं किस प्रकार से, और अप्लाई की मैंने बता दिया आपको प्रोग्रेस किस प्रकार से, नहीं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको गाइडलाइन दी जा रही है और पूरे का पूरा पेमेंट कैसे करना है वगैरह, ये भी सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर रहे हैं ये भी, और देखिए स्टेट वगैरह है पूरा का पूरा कि कहाँ से कितने जोन भरेंगे कितना फॉर्म है कहाँ से, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा ऑफिशियल नोट है आपके लिए, ऑफिशियल नोटिस है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिस आपके लिए कि किस प्रकार से यहाँ पे आपके लिए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इतना था, कुल मिला के 7 पेज का ये ऑफिशियल नोटिस हमको देखने को मिला था, और यहाँ पर दोस्तों इस जो ये ऑफिशियल नोटिस हमको देखने को मिला इसमें कुल मिला के 8653 पद हैं। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ कि इसकी डेट आप चूकिएगा मत, क्योंकि 3 मई है, यदि आप इसमें उत्सुक है यानी कि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 मई आखिरी डेट है, उससे पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और 20 अप्रैल इसका यहाँ पर फीस लिया जाएगा, 20 अप्रैल के बाद में इसका फीस लिया जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको 5 से 6 दिन और दिए जाएंगे एग्जाम जो डेट है वो, यहाँ पर आपकी अप्लाई ऑनलाइन की ख़त्म होने के बाद में
आपको 5 से 6 दिन और दी जाएंगे फीस पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों ये थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पर लेकर चले आपको पूरी जानकारी बताई गई किस प्रकार से यहाँ पे एसबीआई क्लर्क ने अपनी 8653 पदों पर ऑफिशियल नोटिस आउट किया है, किस प्रकार से आपके लिए वैकेंसी देखने को मिली है। बहुत अच्छी वैकेंसी मिली है क्योंकि एसबीआई पीओ की पिछली वैकेंसी देखने को मिली तकरीबन 2000 पदों पर, और इसके बाद में भी ये काफ़ी हद तक अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल चुकी है 8653 पदों पर। दोस्तों ये थी पूरी की पूरी ऑफिशियल जानकारी आपके लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करिए, फिर शेयर करिए, और दोस्तों आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाइए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।